हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 6। सो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 ये हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि महमूद हैं जो ओल्ड मैन, उनके बारे में पढ़ा था। वो पास्ट के और प्रेजेंट के टाइम को कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह जो पास्ट में उनकी काइट्स थी वो कैसे दिखती थी, और अब उनकी गाइड्स की जो शॉप है वो क्लोज़ हो चुकी है क्योंकि अब किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि महमूद ने एक बहुत ही विशाल काइट बनाई थी, बहुत ही एडवेंचरस वाली, जिसका नाम रखा गया था ड्रैगन काइट। लेकिन फिर उन्होंने उसके जैसी कोई काइट नहीं बनाई। उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ बताया कि किस तरह पहले लोगों के पास टाइम होता था उनको देखने के लिए, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, यानी आजकल जो युवा बच्चे हैं, वो उनके पास बैठने या उनके हालचाल पूछने नहीं आता है कोई भी। तो प्रीवियस टाइम में उन्होंने बताया कि किस तरह लोग जो थे वो अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास उस पेड़ के नीचे बैठने आते थे या अपने प्लान डिस्कस करने आते थे। लेकिन अब क्या है, सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी बूढ़े आदमी से बातचीत करें या उसकी बारे में कुछ जाने। लेकिन फिर वो आगे कहते हैं, बट देयर वॉज अ बॉय हिज ग्रैंडसन, इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्क क्लोज बाई फॉर इट ग्लैडनेट द ओल्ड मैन्स हार्ट टू वॉच द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विंटर सनशाइन। सो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि भले ही किसी के पास उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक लड़का था, उनका ग्रैंडसन यानी उनका पोता। इट वॉज गुड, और ये बहुत अच्छी बात थी कि महमूद का जो बेटा था वो पास में ही काम करता था, और जिससे उनको क्या होती थी, उस बूढ़े आदमी के दिल को प्रसन्नता मिलती थी। किससे? टू वॉच द स्मॉल बॉय, जब वो उस छोटे लड़के को सर्दियों के दिनों में खेलते हुए अपने सामने देखते थे, यानी महमूद जो है उनकी ग्रैंडनेस का जो रीज़न था वो था उनका ग्रैंडसन अली, यानी उसको खेलता देखकर, उसको अपने पास देखकर वो खुश रहते थे। ग्रोइंग अंडर हिज आइज लाइक अ यंग एंड वेल नरिशिंग सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे। तो वो फिर यहाँ बताते हैं कि जो अली था वो उनकी आँखों के सामने बढ़ रहा था लाइक ए यंग, एक युवा, और वेल नरिशिंग सैपलिंग, एक न्यू पौधा जो लहराता है, पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जिसमें हर दिन एक नई लीफ आती है। यानी वो यहाँ अली का कंपेयर एक छोटे पौधे से कर रहे हैं जो क्या है, अभी उत्पन्न हुआ है और हर रोज़ क्या करता है, एक नई लीव्स आती है उसमें। तो वो अली का कंपेयर एक यंग और वेल नरिशिंग सैपलिंग से करते हैं यहाँ पर। देयर इज़ अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, और यहाँ पर ट्री और मैन के बीच में एक ही मेल है, एक बड़ा मेल है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस, क्या मेल है कि हम भी उसी गति से बढ़ते हैं। इफ़ वी नॉट हर्ट, अगर हमें क्या है तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाए, और स्टाफ भूखा ना रखा जाए और कट डाउन, यानी जिस तरह हमारी यंग एज होती है फिर उसके बाद ओल्ड एज आती है, ऐसे ही जो ट्री हैं उनकी भी ऐसे ही एज आती है। अगर हम उन ट्रीज़ को काटें ना तो वो भी हमारे जितने ही ओल्ड होंगे। इन आवर यूथ वी आर रेस्प्लेंडेंट क्रिएचर,
जब हम युवा होते हैं तब हम कैसे दिखते हैं? एक बड़े चमकीले प्राणी। यानी जब कोई व्यक्ति युवा होता है उस समय उसके चेहरे पर क्या होती है? चमक होती है। और जब कोई प्लांट क्या है अपने ग्रो पर होता है तो वो भी एक चमकीला प्लांट लगता है। इन आवर डिक्लाइन ईयर वी स्टूप अ लिटिल। लेकिन जब क्या है डिक्लाइन ईयर आता है यानी बुढ़ापा आता है, जब बुढ़ापे के दिन आ जाते हैं तो विस स्टूप अ लिटिल, तो हम क्या है झुक जाते हैं। यानी जवानी में तो क्या है हम एक चमकते हुए प्राणी जैसे लगते हैं, लेकिन जब हमारे बुढ़ापे के साल आते हैं तो हम क्या होते हैं थोड़े झुक जाते हैं। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच अवर ब्रिटल लिम्स इन द सन, तो हमें याद आता है कि हम क्या करते हैं अपनी जो लिम्स है जो नाजुक लिम्स हैं उसको सूर्य में फैलाकर एंड देन विद द साय, और ये आभास करते हैं वी शेड अवर लास्ट लीव, और अपनी अंतिम पत्ती को छोड़ देते हैं यानी बहा देते हैं। तो यानी वो बता रहा है कि जो प्लांट है जो युवा होता है तो वो चमकता हुआ होता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो उसकी बुझाई क्या हो जाती है सूर्य में फैल कर धीरे धीरे जो पत्तियाँ हैं वो सूख कर गिरने लगती हैं। महमूद वॉज लाइक द बैनियन, हिज हैंड्स नर्ल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्री। तो यहाँ महमूद अपना कंपेयर एक बैनियन ट्री से कर रहे हैं कि महमूद जो है वो बरगद के पेड़ की तरह है। हिज हैंड नर्ल्ड एंड ट्विस्टेड, उनके हाथ कैसे हैं जैसे जो प्राचीन पेड़ है यानी जो बरगद का पेड़ है प्राचीन पुराना, उसकी जैसे रूट्स फैली हुई हैं ट्विस्टेड हैं मुड़ी तुड़ी हैं, उसी तरीके से जो महमूद है उनके हाथ भी क्या है अब ऐसे ही टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कर्ट यार्ड, और अली क्या है एक युवा मिमोसा प्लांट यानी छुई मुई के पेड़ की तरह है जो आंगन के अंत में लगा है यानी आंगन के कोने में लगा है। तो यहाँ महमूद जो है अपना कंपेयर बरगद के पेड़ से कर रहे हैं और अली का कंपेयर एक न्यू मिमोसा प्लांट से कर रहे हैं जो कि अभी अभी उगा है। इन टू ईयर बोथ ही एंड द ट्री, फिर वो कहते हैं कि दो सालों में बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ, यानी दोनों को ही यानी अली को और उस पेड़ को क्या मिल जाएगी ताकत मिल जाएगी एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ, यानी बड़े होने की ताकत और उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। यानी जब वो बड़े होंगे दो साल बाद तो उनके अंदर बल होगा और आत्मविश्वास होगा। द वॉइस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर एंड महमूद वंडर्ड इफ ही वॉज गोइंग टू फॉल असलीप एंड ड्रीम सो एज ही सो ऑफ्टन डिड ऑफ ए काइट सो ब्यूटिफुल एंड पावरफुल दैट इट वुड रिसेंबल द ग्रेट वाइड बर्ड ऑफ द हिंदूज गरुणा गॉड विष्णुज फेमस स्टीट। द वॉइस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर, यानी जो आवाज़ थी गली में से जो आ रही थी वो अब कैसी हो रखी थी फीकी सुनाई दे रही थी महमूद जी को। महमूद वंडर, तो महमूद को ये लग रहा था इफ़ ही वॉज गोइंग टू फॉल, कि वो सोने वाले हैं या सपनों में खोने वाले हैं, यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ या सपनों में हूँ, इसलिए उनकी जो गली में जो आवाज़ है वो उनको सुनाई नहीं दे रही थी यानी धीरे धीरे आ रही थी। और जैसे कि वो रोज़ाना करते थे सो जाते थे बैठे बैठे, उसी तरीके से वो उन्हें लग रहा था कि मैं अब सोने वाला हूँ या सपनों में खोने वाला हूँ। तभी ऑफ ए काइट सो ब्यूटिफुल एंड पावरफुल दैट इट वुड रिसेंबल द ग्रेट वाइट बर्ड ऑफ द हिंदूज गरुड़ा,
तभी उन्हें क्या है, एक पतंग दिखती है जो बहुत सुंदर और ताकतवर दिखती है, जो एक महान सफ़ेद पक्षी की जैसी लगती है, जो हिंदुओं का पक्षी होता है गरुड़, जो भगवान विष्णु का फेमस प्रसिद्ध सवारी है, यानी जो भगवान विष्णु की सवारी है गरुड़, उन्हें वो काइट बिल्कुल सेम ऐसी ही लगती है। ही वुड लाइक टू मेक अ वंडरफुल न्यू काइट फॉर द लिटिल अली, और वो ऐसी ही अद्भुत पतंग एक न्यू काइट अली के लिए बनाना चाहते थे। ही हैड नथिंग एस टू लीव फॉर द बॉय, और उनके पास और कुछ उसके लिए छोड़ने के नहीं था, यानी उन्होंने और कुछ अली के लिए नहीं छोड़ा था, केवल वो एक वो पतंग बनाना चाहते थे अली के लिए और उसे पतंग ही दिया करते थे। ही हियर्ड अलीज़ वॉइस एट द डिस्टेंस, तभी उन्हें अली की आवाज़ आई कुछ दूरी पर से, बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वॉज कॉलिंग हिम, लेकिन उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि अली जो है, यानी जो बॉय है, वो उन्हें पुकार रहा है, यानी उन्हें आवाज़ तो आई लेकिन उन्हें ये नहीं लगा कि वो उन्हें पुकार रहा है। द बॉय सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे, उन्हें ऐसा लगा कि जो आवाज़ है वो बहुत दूर से आ रही है। अली वॉज एट द कर्टयार्ड डोर, अली क्या है, आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। आस्किंग इफ हिज मदर हैड एज येट रिटर्न फ्रॉम द बाज़ार, और वो पूछ रहा था कि क्या उसकी माँ बाज़ार से आ गई। मतलब अली तो क्या है गेट पर ही खड़ा था, लेकिन जो महमूद जी हैं उनको ऐसा लग रहा था, यानी उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अली बहुत दूर से आवाज़ लगा रहा है। When Mahmood did not answer, the boy came forward repeating his question. जब महमूद ने उनका आंसर नहीं, उस बच्चे को आंसर नहीं दिया, तो जो लड़का था वो क्या है, दोबारा से उसने आकर अपना क्वेश्चन रिपीट किया। The sunlight was slanting across the old man's head. And a small white butterfly rested on his flowing beard. तो जो सूरज की किरण थी वो क्या है, तिरछी होती हुई उस बूढ़े आदमी के सिर पर पड़ रही थी, यानी जो सूर्य की धूप सनलाइट थी वो क्या है, तिरछी होकर महमूद जी के सिर पर पड़ रही थी। एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई, और एक छोटी सुंदर सी सफ़ेद तितली उनकी फ्लोइंग बियर्ड पर, यानी उनकी दाढ़ी पर बैठी हुई थी। महमूद वॉज साइलेंट, लेकिन महमूद क्या थे, बिल्कुल साइलेंट थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन्स शोल्डर, और जब अली ने अपना हाथ उस बूढ़े आदमी के कंधे पर रखा, ही मेड विथ नो रिस्पॉन्स, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, यानी महमूद जी हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। द बॉय हियर्ड अ फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल इन हिज पॉकेट, तभी उस लड़के को क्या है, अपनी जेब में से रखे जो रबिंग ऑफ मार्बल, यानी मार्बल के जो स्टोन्स होते हैं यानी कंचे, उसकी आवाज़ आई। सडनली अफ्रेड, और वो अचानक डर गया। अली टर्न एंड मूव टू द डोर, अली मुड़ा और दरवाजे की तरफ गया, भागा। एंड देन रन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और भागता हुआ अपनी माँ के लिए गया चीखता हुआ। द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन बियर, और जो तितली थी वो उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी पर से उठी। एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री, और उड़कर उस मिमोसा ट्री पर फेंट गई। एंड अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टोन काइट, तभी अचानक हवा का झोंका आया जो क्या है, उस टूट फटी हुई पतंग को भी, जो बरगद के पेड़ में फंसी हुई थी। एंड लिफ्टेड इट इन द एयर,
हवा में उड़ाकर ले गया, कैरिंग इट फार एबव, और उसे बहुत दूर तक ले गया, द स्ट्रगलिंग सिटी, और सिटी की वो ले गया इनटू द ब्लाइंड ब्लू स्काई, और उस आसमान में, यानी उस स्ट्रगलिंग सिटी के और आसमान में उड़ाकर उस पतंग को ले गया जो बरगद के पेड़ पर अड़ी हुई थी। यानी ये जो लास्ट में जो स्टैंजा दिया है आपको, उसमें ये बताया है कि जो महमूद जी थे वो किस तरीके से वर्ल्ड को छोड़कर चले गए, यानी उनका लास्ट टाइम था। तो उन्हें जो गरुड़ पक्षी था जो दिखाई दे रहा था, विष्णु जी का पक्षी, वो एक पतंग के रूप में उन्हें लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पतंग है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, गरुड़ पक्षी ही था। और अंत में उन्होंने क्या है, अपनी लाइफ को छोड़ दिया। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने महमूद जी की लाइफ के कई सारे फ्रेज देखे हैं।